जहानाबाद शहर स्थित डांगी छात्रावास में विधान पार्षद डॉक्टर कुमुद वर्मा ने अपने सहयोगियों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री का वर्चुअल संवाद सुना। उन्होंने कहा कि सूबे में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, समाज के सभी वर्ग के लोगों की वो पहली पसंद हैं। उन्होंने विगत 15 वर्षों में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, जिसको बिहार की जनता कभी नहीं भुला सकती है। उनके द्वारा संचालित 7 निश्चय योजना के माध्यम से जो काम किए गए हैं, उसके आधार पर बिहार की जनता की पहली पसंद बन गए हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव इसी विकास के आधार पर लड़ा जाएगा। मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी लोगों को, बिहार के जनता को संबोधित कर रहे हैं और हम कार्यकर्ताओं द्वारा उन लोगों तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने का आज एक प्रक्रिया है और उसके तहत आज यहां पर कार्यक्रम निश्चय संवाद चल रहा है। पूरे बिहार में आज जनता दल यू के कार्यकर्ता एक तत्पर सिपाही के रूप में पार्टी के लिए खड़ा है और चुनाव के लिए तैयार है। मुख्य रूप से किन बातों पर ध्यान दिया गया है? हमारे पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा 7 निश्चय का कार्यक्रम आप लोगों को मालूम है चल रहा है और जो 15 साल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए काम किए, बिहार के जनता के लिए जो विकास किए, उनके उत्थान के लिए जो काम किए, बिहार के मान सम्मान के लिए काम किए, इसी बात को हम अपने जनता के बीच में बात को ले जा रहे हैं और इसी मुद्दे के साथ हम अगले चुनाव में जो बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है जनता को समझाने का कोशिश करेंगे, जनता को बताने का कोशिश करेंगे और जनता जान भी रही है कि अगला मुख्यमंत्री मेरा नीतीश कुमार ही होगा, तभी मेरा इसमें भलाई।